Assalamualaikum everyone, this is me Saba Umair. Welcome to another video. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. गर्मी के इस मौसम में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मैजिकल सीरम जो आप लोग यूज़ करेंगे और आपकी स्किन को इफ़ेक्ट देगा विद इन 2 to 3 days. और ये ऐसे ही इन्ग्रीडियंट्स है जो कि हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं. और ये है हमारे पास मिंट और ये है हमारे पास धनिया. आपने इन दोनों के साथ ही इजीली आप बना सकते हैं. एलोवेरा भी हर घर में अवेलेबल होती है और रोज़ वाटर भी अवेलेबल होता है. आपने एक मिक्सचर लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा धनिया लेना है जितना आप वीक का बना सकें. आप वीक में बनाएं और ये 1 week ईजीली चल सकता है. आपने इतना सा धनिया लिया, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला. पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से किया ब्लेंड. मैंने आपको सारा प्रोसीजर वीडियो में बता दिया, बट मैं ऑरली इसलिए बता रही हूँ कि समटाइम होता है कि हम वीडियो देखते देखते हम लोग बोर हो जाते हैं. समटाइम ये होता है कि यार थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें बताया जाता है. ये सारे इंग्रीडियंट्स हैं जो आप अब आगे वीडियो में देखेंगे. और इसके लिए हमें रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल भी चाहिए. ये भी बहुत बेस्ट है. ये हमारे ओपन पोर्स को भी श्रिंक करेगा, हमारी स्किन को नीट करेगा, क्लीन करेगा. हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है. और किचन में जो इचिंग वगैरह हमारी स्किन पे होती है, ख़ारिश होती है, लाइक रेडनेस आ जाती है, क्योंकि ये अजीब सा जो वेदर हुआ है उसकी वजह से फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है. लाइक ऑयल आ रहा होता है, ये ऑयल फ्री भी करेगी आपकी स्किन को, तो ज़रूर ट्राई करें. चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ और कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो. ये है हमारे पास सूखा धनिया, ओ हरा धनिया, और ये हमारे पास पुदीने के पत्ते. और इन पत्तों से हम बनाने वाले हैं जी एक मज़ेदार सा फेस का एक सीरम. और अब इसको हम डालेंगे जी इसको हम ब्लेंड करेंगे. और इसको ब्लेंड करने के लिए हमें चाहिए धनिया. मैंने इसको साफ किया था, मैंने इसको धोया नहीं है. इसको हम डालेंगे इसमें और इसमें हम डालेंगे साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. इतना पानी डालेंगे कि ये इसमें अच्छी तरह से बस ब्लेंड हो जाए. और ब्लेंड करने के लिए हम इसको करेंगे बंद. ये देखिए हो चुका है बंद. और इसको अब हम करने वाले हैं जी ब्लेंड. ब्लेंड करने के बाद कुछ इस तरह से ये आया है हमारे पास इसका मिक्सचर. अब हम इसको बॉटल में डालेंगे, स्प्रे बॉटल में. और इसको पहले हम छानेंगे, जो इसके अंदर मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए और सिर्फ हमारे पास जूस रह जाए. ये देखें जी जूस मैंने निकाल लिया है जी धनिए का. और इसके अंदर ही मेरे पास खाली रोज़ वाटर की एक बॉटल पड़ी हुई थी, इसके अंदर मैं फिल करूँगी स्प्रे बॉटल में. और रोज़ वाटर जो है वो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच. आप मेयर करके डाल सकते हैं. ये है मेरे पास रोज़ वाटर चला गया. और अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे एलोवेरा जेल. मैंने फ्रिज में रखी हुई है तो काफ़ी ठंडी हुई है जेल. ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दी है एलोवेरा जेल. और हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स. मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. और ये हमारा एक स्किन के लिए सीरम कह लें, टोनर कह लें, कुछ भी कह लें, हो गया है रेडी. अब इसको डालेंगे हम बॉटल में. ये देखें जी ये हो गया हमारा सीरम रेडी. मैंने इसको बॉटल को बंद किया. और ये हमारा मज़ेदार सा फेस के लिए सीरम है. ये देखें हो चुका है रेडी. ये देखें जी हमारा सीरम हो चुका है रेडी. और जिनके स्किन पे अक्सर निशानात आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, और गर्मियाँ हैं, आप किचन में काम कर रहे होते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ जिनकी स्किन पे इचिंग होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है. और अगर आप चाहते हैं कि किचन में हमारे काम करने से स्किन ख़राब नहीं हो, तो ये हमारे पास मिंट लीव्स हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ये देखें. और इसको बना के आप फ्रिज कर दें. जब आप किचन में काम कर रहे हैं तब आपने इसको करना है यूज़. तो मैंने मिंट लीव्स डाल दिए. इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने फेस पे करें अप्लाई. और ये देखें जी मैं आपको करके दिखाती हूँ. इसको अच्छी तरह से स्प्रे करना है अपने फेस पे.
अदरक के मिंट लीव्स आगे आ गए, बट अगर आप इसका आप इसको भी ब्लेंड करके डालते हैं तो वो भी बेस्ट है, अदरवाइज आप इसको किसी भी तरह मतलब हाथ से भी लगा सकते हैं। और ये देखिए ये सारे आपकी स्किन को नीट करेगा, आपको गर्मी से बचाएगा, आपकी स्किन को इचिंग से बचाएगा। और ये देखिए हमने इसको पूरे स्किन पे करना है, इस तरह प्रॉपर नज़र आए कि आपने अपनी स्किन पे कुछ किया, और करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है मैक्सिमम 5 मिनट छोड़े, और आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन को ठंडक मिल रही है और इचिंग खत्म हो रही है, लाइक एलर्जी नहीं होगी किचन में काम करने से। आप खुद भी कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन पे समटाइम हो रहा था, मैं हंडी मैं खुद भी हंडियाँ बना रही होती तो लाइक मुझे फील हो रहा था यार यहाँ मिर्चें लग रही हैं, लाइक इस तरह से खारिश करो और रेड हो जाती है स्किन। ये रेडनेस के लिए भी बहुत बेहतर, आप इसको यूज़ करें उसके बाद प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।